प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आप सभी प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ईश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जिससे हमारा परिवार आनंदित और सुरक्षित है। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। आज संसार भर में अधिकांश व्यक्ति कर्ज से डूबे हुए हैं और इस कर्ज की वजह से हम क्या क्या गलती कर बैठते हैं, आज हम ये जानेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कर्ज लेना गलत नहीं है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब हम जिससे जो हमने कर्जा लिया है वो चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम अपने कामकाज पे आधारित रहते हैं, कभी हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आती है, कभी बारिश की वजह से, मौसम की वजह से या किसी न किसी परिस्थिति की वजह से हम अपनी किस्त को नहीं भर पाते। आपको उदास नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है। आपको ये जानना है कि हम इस परिस्थिति में क्या करें। हम जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो हम ईश्वर पर सवाल उठाते हैं, ईश्वर को भला बुरा बोलते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज कर्जे की वजह से कितने सारे परिवार बिखर रहे हैं, कोई अपना घर बेच रहा है, किसी का घर बैंक ले जा रही है, गाड़ी ले जा रही है, घर का सामान बेच रही है। ये सब क्यों होता है और इन सब के पीछे कारण क्या है। हम कहीं ना कहीं इस सांसारिक जीवन में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को, आपको और मुझको बनाया है, जिसने धन को बनाया है। अगर ईश्वर ने धन बनाया है तो उस धन को चुकाने के लिए भी ईश्वर समर्थ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से क्या होगा, कुछ नहीं। जब हम ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, हम परेशान होंगे और परेशान होकर हम ईश्वर से दूर होंगे, क्योंकि ये सब आपको हताश करने के लिए, उदास करने के लिए, तोड़ने के लिए हो रहा है। आपको ये जानना जरूरी है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। इसलिए प्रभु आज हमें इस वचन के माध्यम से समझाना चाहता है। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 1-7, एक विधवा की ये कहानी है जो आप सब जानते हैं, जिसका कर्ज ईश्वर ने माफ कर दिया। सर्वप्रथम हम वचन को पढ़ेंगे। एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने एलिसा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे, अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। एलिसा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवा और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ, जितने अधिक ला सको ले आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा दो, उन सब पात्रों में तेल डालो और जैसे जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर किवाड़ लगा लिए। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उसमें तेल डालती जाती। जब सारे बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। इस पर वह बोला, और कोई खाली बर्तन नहीं है। तब तेल बहना बंद हो गया। उसने जाकर ये सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने उससे कहा, जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आपने वचन में पढ़ा कि एक प्रभु भक्त उसकी पत्नी कहाँ जाती है। आज ये हमें सत्य जानने की जरूरत है। सबसे पहले आपका विश्वास मजबूत है या नहीं, और आपका विश्वास किस पर है ये जरूरी है। आपने देखा एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने एलिशा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है, आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये जानने की जरूरत है, जब हमारे जीवन में ये कर्ज आता है या हमारे ऊपर उदारी चढ़ जाती है, हम कर्ज से डूबे रहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम कहाँ जाना है। वह विधवा स्त्री सबसे पहले ईश्वर की ओर से चुने हुए नबी के पास में जाती है, क्योंकि प्रभु ने उसे चुना है। जब हम प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु कहीं ना कहीं से समाधान और उसकी व्यवस्था करता है। आज हमें यहां पर अपने आप को रखकर देखना है कि हम इस परिस्थिति में क्या करते हैं। हम अपनी परिस्थिति, अपने कर्ज को लेकर हम अपने अंदर या अपने आस पड़ोसियों से मांगते हैं, किंतु हम ईश्वर को कुछ नहीं समझते। जब आप कर्जे में पड़े हुए हैं, आप इधर उधर भागते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर के हाथों में सब कुछ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर ने आपको अपने हाथों से गढ़ा है, आपको प्रेम किया है, आपको बनाया है, पैसों को ईश्वर ने बनाया है, और उस ईश्वर से आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, आप उस ईश्वर के प्रांगण में क्यों नहीं जाते। आज यही सवाल मैं आपसे करता हूं। आप अपनी इस परेशानी को लेकर अपने पास में क्यों रखते हो? आज हम इस कर्जे को क्यों लेते हैं? कहीं ना कहीं घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी बिजनेस को, व्यवसाय को शुरू करने के लिए, या बीमारी के लिए, या जमीन जायदाद लेने के लिए, किसी न किसी चीज के लिए हम लेते हैं। गलत कार्य के लिए नहीं लेते ना? तो आप क्यों उदास हो रहे हो? क्यों आप परेशान हो रहे हो? ईश्वर आपको अपार सामर्थ्य से भरने वाला ईश्वर है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। ये आपको जानना है। अगर आप ये जानते कि आपकी परेशानी ईश्वर के पास जाने से दूर हो सकती है, तो आप क्यों नहीं जाते? आज कर्ज की वजह से कितने सारे लोग परेशान है, बेघर है, चिंतित है, अपना जीवन नष्ट करने के लिए तैयार है, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। क्यों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा कर रहे हो? आपका जीवन कितना मूल्यवान है, आप क्यों नहीं समझते? हमारे एक एक व्यक्ति के लिए, हम सब के लिए पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। क्यों नहीं आप उस पिता का प्रेम समझ पा रहे हो? आपका जीवन कितना मूल्यवान है ईश्वर की दृष्टि में, क्यों नहीं आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? क्यों अपने जीवन को नष्ट करने पर तुले हुए हो? ये उचित नहीं है। ये हमें ईश्वर से और ईश्वर के प्रेम से वंचित कर रहा है। शैतान यही चाहता है, आप अपने आप को नष्ट करो। नहीं, आप इस वचन को पढ़ना, ये पुराना ग्रंथ है, दूसरा राजाओं का अध्याय 4:1-7। वह विधवा स्त्री इस दुनिया में अकेली है, उसका पति मर चुका है। आप सोच के देखना, वह कहाँ जाएगी, किससे मदद मांगेगी? वह किसी नेता के पास में नहीं गई, किसी पड़ोसी के पास में नहीं गई, ना किसी अन्य व्यक्ति के पास में गई। वह ईश्वर के नबी के पास, ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के पास में गई है, ईश्वर के मंदिर में गई है।
जहाँ से ईश्वर उसकी सहायता करता है, उसकी पुकार सुनता है। प्रभु हमारे जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति को भेजता है हमारी रक्षा के लिए, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। आपको ये समझना है, सबसे पहले इस वचन में यही है कि हमें अपनी परेशानियों में सबसे पहले ईश्वर के पास में जाना है और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ जाना है। और ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपका कर्जा 5,000 रुपये है तो आपको यही बोलना, मेरा कर्जा 5,000 रुपये है। ऐसा नहीं कि 5,000 के बदले आप 10,000 बोलो और ईश्वर से आप झूठ बोलो। नहीं, उस स्त्री ने कहा मेरे घर में एक तेल की कुप्पी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी ईमानदारी ईश्वर को प्रसन्न है, उसकी सच्चाई प्रसन्न है। प्रभु सच्चे व्यक्तियों से, ईमानदार व्यक्तियों से प्रेम करता है। इसीलिए ईश्वर के पास जब हम जाते हैं, ईश्वर हमें हमारी परेशानी का हल देता है अपने वचन के द्वारा। हमें उस वचन पर विश्वास करना है कि ईश्वर ने हमारा कर्ज माफ कर दिया है। अब वो कर्ज किसी भी तरीके से माफ हो सकता है, या तो प्रभु आपको नया व्यवसाय दे, कहीं से प्रभु अपने दूत को आपके जीवन में भेजे, या आपका काम जो रुका हुआ था प्रभु उसमें आशीष दे रहा है, वह पुनः शुरू हो चुका है और अच्छा चल रहा है। आपने अपने बच्चे के लिए लोन लिया, आपके बच्चे की नौकरी लग गई है जिससे वह कर्जा चुका पा रहा है। आपने घर के लिए लोन लिया, आपके परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई, किसी ना किसी चीज से आप उस लोन को, उस कर्ज को चुकाने में समर्थ हो जाएंगे। आज प्रभु हम सबको यही समझाना चाहता है, जब हम कर्ज में पड़े होते हैं, थके होते हैं, हमें मत्ती 11:28 कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। मतलब ईश्वर के पास में जाना है, अपने बोझ को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने कर्ज को लेकर ईश्वर के पास में जाना है। जो ईश्वर के पास में जाता है वह कभी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, दुखी नहीं होता। ये चीज इस विधवा स्त्री ने किया, वह सर्वप्रथम अपनी परेशानी, अपने दुख को लेकर प्रभु के पास में गई। प्रभु का चुनावा नबी है एलिशा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको और मुझको सबको यही कहता है, आप क्यों नहीं मेरे पास में आते जब मैंने आपको कहा है अपने बोझ को, अपने चिंताओं को, परेशानियों को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का मतलब है प्रभु हमें हर एक चीज़ से छुड़ाएगा, शांति देगा, मुक्ति देगा, अपने प्रेम से भरेगा। इसलिए हमें कर्ज से डरना नहीं है, उस कर्ज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। कहीं ना कहीं वह कर्ज आज हमारे जीवन में इसलिए आया हो कि हम ईश्वर के पास में जाएं, ईश्वर से जो हम दूर हो चुके थे अब ईश्वर के पास में और अधिक रूप से जाएं, ईश्वर से जुड़ जाएं, ईश्वर से लिपटे रहें। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर से लिपटे रहो जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से जुड़े रहना हमारे लिए आशा है, हमारा विश्वास है, हमारी उन्नति है, हमारी तरक्की है। ईश्वर से जुड़कर ही हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, ईश्वर से अलग रहकर हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, हमारी तरक्की नहीं होगी, हमारा जीवन, हमारा परिवार में शांति नहीं होगी। इसलिए आज ईश्वर हमें समझाता है, आप ईश्वर के पास में आए। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कहीं ना कहीं प्रभु आज इस वचन के माध्यम से अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है, प्रभु अपने प्रेम को आपके अंदर भर रहा है। कुछ लोग रो रहे होंगे, परेशान है, चिंतित थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अपने प्रेम से उन्हें भर दिया है। वह जान चुके हैं कि हम कहाँ गलत थे, हम आज से पहले क्या कर रहे थे। हमें कर्ज से डरना नहीं है, ईश्वर हमारा बलशाली है, सामर्थ्यवान है, हर एक चीज़ पर अधिकार रखने वाला है।
इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ पर अधिकार ईश्वर का है, इसलिए हमें ईश्वर के पास में जाना है। यही चीज आज ईश्वर हम सबको समझा रहा है। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। प्रभु को दुख में सुख में हर एक समय ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। हमारी निगाहें ईश्वर से कभी नहीं हटनी चाहिए और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। फिलिप्पियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करें। पहला तेसलोनीकियों 5:18, स्तोत्र 23:1, स्तोत्र 55:23, प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु प्रेम है, प्रभु में हमारा जीवन आगे बढ़ता है, प्रभु में हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें, जिससे वह ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। मैं आशा करूंगा आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। और आप सबके साथ में मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। शांति का राजा चैनल ने अभी एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है शांति का राजा युवा संगम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल नया जो है, इसके अंदर युवाओं द्वारा प्रभु का वचन, अपना अनुभव और गवाहियों के माध्यम से, अन्य प्रवचन के माध्यम से प्रभु की महिमा करने जा रहा है। इसकी हमने शुरुआत 9 जुलाई को की है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ भी बांटें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें, प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय श्री।